एक्सरसाइज 19 है क्या, क्वेश्चन 28। फ्रॉम अ क्यूबिकल पीस ऑफ वुड, एक वुड का क्यूबिकल पीस था ये, ऑफ साइड 21, तो सारी साइड 21 हो जाएंगी, 21 सेंटीमीटर। अ हेमिस्फेयर इज कार्व्ड आउट, एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन इसमें से काट के निकाला गया, इन सच अ वे दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द साइड। यहाँ से अगर हमने काटेंगे तो डायमीटर जो है ना इसका हेमिस्फेयर का, वो किसके इक्वल है, साइड के इक्वल है, तो इस तरह से टच करेगा, और एक हेमिस्फेयर इसमें से काट के निकाल दिया गया, तो पूरा हेमिस्फेयर इसमें से काट के निकाल दिया गया इज इक्वल टू द साइड। जो इसका डायमीटर होगा वो किसके इक्वल हो, 21, जो डायमीटर जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, देखो वॉल्यूम में तो कोई बड़ी बात नहीं है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास एक मान लो क्यूबिकल है, ये मेरे पास कोई क्यूबिकल बॉक्स मिला नहीं तो मैंने क्यूबॉइडल ही ले लिया, उसमें से ना मैंने मान लो ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन निकाल दिया। अब ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन अगर मैंने इसमें से निकाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इस पूरे क्यूब में से ये वाली वॉल्यूम माइनस हो जाएगी ना हेमिस्फेयर की, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें से जब ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन निकाला तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होगी, साइड क्यूब यानी कि 21 का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा, 2/3 πr³, तो 21 क्यूब माइनस 2/3 π, 22/7, एंड रेडियस कितनी, 21/2, 21/2 का क्यूब, तो यहाँ से क्या होगा, 21 क्यूब तो कॉमन ले लेंगे, ये तो बचेगा 1 माइनस, यहाँ से 2/3, ये 22/7, और यहाँ से 21 जा चुका है तो कितना बचेगा, 1/2 का क्यूब बचेगा, 1/2 × 1/2 × 1/2 ये बच जाए, एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 21 क्यूब 1 माइनस 11/7 × 3 = 21, है ना, 7 × 21 × 2 कितना हो गया, 42, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21 का क्यूब 42 माइनस 11/42, ठीक, 21 × 21 × 21, 42 में से 11 माइनस कर दो कितना बचेगा भाई, एक 31 अपॉन, नीचे कितना क्या लिखा, 2 × 21 लिखा, एक 21 कैंसिल होगा, इसे अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना, इतने सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम आ जाएगी। इन्होंने क्या पूछा था, एक और पूछा था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया देखते हैं जरा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देखो ये क्यूब की जो होंगी 5 फेसेस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो एक फेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, है ना भाई, ये ए, ये ए, ये ए, तो एक स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर, तो 5 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, 5a² बल्कि 6 लिख लो पूरा, 6a² लिख के ना, ये जो पोर्शन है, देखो ये जो पोर्शन था इसका, ये पूरा कर्व टोटल सरफेस एरिया लिख लिया, उस टोटल सरफेस में ये वाला पोर्शन माइनस कर लेते हैं ऊपर वाला, एक ये क्या सर्कल का एरिया, तो हमने πr² माइनस कर लिया, लेकिन ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन इसमें जनरेट हुआ नीचे, ये भी तो टच होगा ना, इसे हम टच कर सकते हैं ना, तो ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन हमें से ऐड करना पड़ेगा, यानी कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि जब इसमें से हेमिस्फेरिकल पोर्शन निकालेंगे तो, क्योंकि सॉलिड क्यूब था ना, तो अंदर एक हेमिस्फेयर की शेप बनी रह जाएगी, उसे हम टच कर सकते हैं, है ना, तो वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। ऊपर वाला क्यों माइनस किया, क्योंकि इस फेस पे से ये सर्कल जा चुका है, तो 6a² यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से ऊपर वाले फेस में से ये एरिया माइनस हुआ है, तो πr², और एक नई सरफेस जनरेट हुई है, तो वो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, तो 6a² माइनस πr² एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, 2πr², 1 - πr² और ये 2πr² प्लस के, तो क्या हो जाएगा,
सिक्स ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब सिक्स ए कितना हमारे पास 21, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 21/2 × 21/2। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, देखो एक 3 आ जाएगा और एक 21 आ जाएगा, तो एक 3 और एक 21 कॉमन निकल, यहां से बचा क्या 2, एक बचा क्या 21 प्लस यहां से क्या बचा था 11/2, ठीक है। तो 3 21 11, ये कितना का 42 हो गया प्लस 11/2, तो 3 × 21 84 प्लस 11, 84 प्लस 11 कितना हो जाएगा भाई 95/2, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाए, इसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।